अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ज्योति बेटा, तुमने जो कुछ भी कहा है मल्लिका के बारे में, क्या तुम उसे साबित कर पाओगे? सबूत है तुम्हारे पास? मैं सबूत भी दूंगी और पूरा किस्सा भी बताऊंगी। मैं यही सोच रही थी कि वो मायावी शक्ति घर का इतना बुरा कर रही है तो इस घर की हो ही नहीं सकती, कोई बाहर का ही होगा। मल्लिका के ऊपर शक इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था मल्लिका इतनी घटिया सोच रख सकती है, बल्कि मैंने मल्लिका की मायावी जाल में उलझकर ये सोच लिया था कि वेदांत सर सच में मल्लिका से प्यार करते हैं। और तो और मैंने मन बना लिया कि मैं वेदांत सर और मल्लिका के बीच नहीं आऊंगी। पर मुझे एक बात खटकने लगी कि घर में जब भी कोई कांड होते तो वेदांत सर को कुछ याद नहीं रहता था, वो इनकार करने लगते थे कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो फिर ये सारी बातें मैंने माँ को बताई और माँ ने कहा कि हो सकता है वो मायावी शक्ति वेदांत सर से ये सब करवा रही हो। तब भी मल्लिका हमारे शक के दायरे से बाहर थी, पर फिर माँ ने कहा कि मुझे मेहंदी की वीडियोस ढूंढनी चाहिए, हो सकता है कि मायावी शक्ति से जुड़ा कुछ मिल जाए। और मैंने सबके फोन ढूंढना शुरू किया। मुझे पता था कि चमचम उस दिन वीडियो बना रही थी, मैं जाके चमचम से मिली और आखिर में चमचम के पास वो वीडियो मिली जिसकी हमें तलाश थी। ये वीडियो तो मुझे जल्दी से जल्दी भाजन को दिखाना होगा। फोन देना अपना, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। कहाँ जाना है? मामी जी के पास? क्या दिखाना है उन्हें? और तुम क्या छुपा रही हो चमचम? कुछ नहीं, मैं क्या छुपाऊंगी आपसे। फोन दो। वैसे भी इसमें बैटरी कम है, मैं चार्ज करके देती हूँ ना। यहाँ सवाल मेरे वेदांत सर का है चमचम, फोन दो। टेंशन मत लो, इसका इनाम तुम्हें मिलेगा। और एक बात, इस बारे में तुम किसी को नहीं बताओगी, ना इस फोन के बारे में और ना इसमें जो वीडियो है उसके बारे में। मल्लिका ने अपने जादू से सबको स्टैचू बना दिया, लेकिन उसका जादू फोन पर नहीं चला और उसमें वो सब रिकॉर्ड हो गया। और वही इसके खिलाफ सबूत बन गया। ये रही वो वीडियो। आज से हम दोनों के बीच में कोई लक्ष्मण रेखा नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई भगवान नहीं आ सकते। चले वेदांत। इस वीडियो को देखने के बाद आप सबके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मुझे मल्लिका की सच्चाई पता चल गई, पर मल्लिका को ये बात नहीं पता थी। मैं उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। जब मुझे पता चला कि वेदांत सर मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, तो मैं समझ गई
ये मलिका का ही आइडिया होगा और वो इसमें जरूर कुछ करेगी। तो मैंने इसके हर कदम पर नजर रखना शुरू कर दिया। जब वेदांत सर केक लेकर आए थे तो मलिका उन पे नजर रख रही थी। और जब मैंने देखा कि जैसे ही वेदांत सर बाहर गए तो मलिका अंदर चली गई रूम के। और फिर मैंने ये सब माँ को बताया। क्या सहर? मलिका इतनी हद तक गिर जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। उसने तुझे मारने की कोशिश की? कोशिश क्या, उसने तो पूरा बंदोबस्त कर रखा था। इसलिए तो सबके सामने अच्छी बनी फिरती है माँ, ताकि उस पर कोई उंगली ना उठे। सच्चाई की आड़ में वो ये सब कांड कर रही है। छुटी, तूने अच्छा किया उस पर नजर रखी। कम से कम सच्चाई तो बाहर आए। अब हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हमारे पास वो प्रूफ है, वो वीडियो है। हम पूरे परिवार को दिखाते हैं, उसका पर्दाफाश करते हैं। नहीं माँ, बहुत घमंड है ना उसको अपनी चाल पर। उसको उसी की चाल में हराएंगे, उसको रंगे हाथों पकड़ेंगे और फिर उसका पर्दाफाश करेंगे। और मैं तो कहती हूँ कि फिदान सर को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि मेरी मौत के इस नाटक में फिदान सर का दर्द खुल के सामने आएगा तो मलिका को शक नहीं होगा। तो सही कह रही है। और फिर जब वेदांत सर मुझे सरप्राइज देने के लिए रूम पर लेकर आए और केक काटने लगे तो माँ ने लाइट का फ्यूज निकाल दिया और लाइट चली गई। और अंधेरे का फायदा उठाते हुए मैंने केक बदल दिया। एक वैसा ही केक मैंने वहां छुपा के रखा था। और जब मैंने इसके सामने केक खाया तो मैंने बेहोश होने का नाटक किया और इसको लगा मैं मर गई और इसका प्लान कामयाब हो गया। पर नहीं, ये इस पे उल्टा पड़ गया। इसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। झूठ क्यों झूठ बोल रही हो ज्योति? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये झूठ बोल रही है। हेमा मामी, आप तो मुझे जानती हो ना इतने सालों से, प्लीज इन सबको बताइए कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तेरी ये हिम्मत कि तू हमारे हंसते खेलते परिवार में आके दुखों की डुगडुगी बजाए? कहा मेरी आंटी, मेरा विश्वास करिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे ये फोटोज वीडियो तो कोई भी फेक बना सकता है, ये सब ना ज्योति की चाल है मुझे मेरे वेदांत से अलग करने की। वो वेदांत को छीनना चाहती है मुझसे। शर्म नहीं आई तुम्हें? बिल्कुल शर्म नहीं आई? वेदांत, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया वेदांत। ड्रेस में निकल जाओ इस घर से। मिल करके बहुत बेइज्जती कर ली मेरी और बहुत बेइज्जती झेल ली मैंने। तुम सबको मेरा असली रूप देखना है ना? आज मैं आप सबको अपना असली रूप दिखाऊंगी, वो भी मैं तुम सबके सामने वेदांत को हासिल करूंगी, वो भी अभी इसी वक्त। आप सब मेरे पीछे आ जाइए।
मल्लिका, तुझे जितनी ताकत लगानी है लगा ले, पर मैं तुझे जीतने नहीं दूंगी। ये मत भूल कि जब भी बुराई और अच्छाई की लड़ाई हुई है तो जीत हमेशा अच्छाई की हुई है। तेरे पास होंगी मायावी शक्तियाँ, पर मेरे पास माता रानी का आशीर्वाद है और वो काफी है। को छू के दिखा, दूर रहो मुझसे। आज मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल के रहूंगी मल्लिका, तुम्हें मैं मेरे रिश्ते पे आंच नहीं लगाने दूंगी। किस किस को बचाओगी ज्योति? तुम तो वेदांत को बचा लोगी, पर बाकी सब घर परिवार उसको कौन बचाएगा? जय माता दी, 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 जय हो पहाड़ा वाली, जय जय मा, जय मा शेरा वाली, जय मा दुर्गा वाली, जय हो पहाड़ा वाली, जय जय मा, जय मा शेरा वाली, जय मा दुर्गा वाली, जय हो पहाड़ा वाली, जय जय मा, जय हो पहाड़ा वाली। हे माता रानी, हमारी मदद करना। सब मिल करके थप्पड़ मार रहे थे ना मुझे, अब सब की सब जलो उस आग में। ज्योति कोई बचाने नहीं आएगा, ज्योति भी नहीं बचाएगी। अरे देखो, ज्योति तो कितनी मतलबी निकली, उसने अपने कलावा के साथ सिर्फ खुद को और वेदांत को बचाया। अब आप सबका क्या होगा? आप सबको यहीं छोड़ दिया मरने के लिए। तुम सबने मुझसे मेरा वेदांत छीना है ना, तुम सबसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगी। जय माता दी, जय माता दी। ज्योति, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। नहीं नहीं ज्योति, जय माता दी, जय माता दी। नहीं ज्योति, नहीं रुक जाओ ज्योति, रुक जाओ। मैं अभी जा रही हूँ, मगर मैं बहुत जल्द वापिस आऊंगी तुम सबका काल बन के। ज्योति, 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 कुल गुरु जी ने बिल्कुल सही कहा था, तू वेदांत की रक्षक है, इस पूरे घर की रक्षक है। देखा ना आज कैसे तूने पूरे परिवार को बचा लिया। सौभाग्यवती भवा। इन सब में दिल की बात तो अधूरी रह गई। कोई बात नहीं, अब कह लीजिए। आई लव यू। सच में मेरी जीवन की ज्योति हो।
मुझे अंधेरे में रास्ता दिखा दिया। और आप मेरी हिम्मत हो, आप जो मेरे साथ खड़े होते हो, मैं हर मुश्किल से लड़ सकती हूँ। फिलहाल इतनी बड़ी मुसीबत टल गई, घर में सब ठीक हो गया, और सबसे बड़ी बात, तुमने मेरी माँ का प्यार मुझे लौटा दिया। थैंक यू। अब सब ठीक होगा, मलिका भी हमारी जिंदगी से चली गई। पहले तो मैं सिर्फ वेदांत के लिए लड़ रही थी, अब पूरा सिन्हा खानदान मेरा दुश्मन बन गया है। मुझे कैसे भी करके अपना बदला लेना होगा, और इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो जो हाल उन्होंने मेरा किया है वही तुम्हारा होगा। हम कब कहे कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे? देखो, हमको ये बाजी तुमसे ज्यादा जीतने का फिक्र है, तो जरा जल्दी सोचो, क्योंकि मुझे कैसे भी करके उधर आके जीतना ही होगा। वेदांत और ज्योति की शादी कभी नहीं हो सकती। मेरा बस से लेना, मैं अपनी कुंडली में सातों जन्म के लिए पत्नी के रूप में तुम्हारा नाम लिखवाता हूं। मैं आपको अल्पायु के इस संकट से बाहर निकाल लाऊंगी वेदांत सर, बस विधि विधान से शादी करके इस कलावा की सारी गांठें खुल जाए। वेदांत का शादी ज्योति से नहीं तुमसे ही होगा, ये हमारा वादा है, और हेमा अपने वादे से कभी नहीं मुकरती। हेलो, जिंदा हो कि मर गए? अरे अभी कहा, अरे मेरे दुश्मन, आप बताइए, गलती से फोन लग गया, क्या हमारे लायक कोई सेवा? हम दही अंडी की रखवाली खुद बिल्ली से करवाते हैं। तो दोनों के फायदे की बात करते हैं। कल वेदांत और ज्योति की शादी, तो तुम अपनी लैला ज्योति को यहाँ से ले जाना, बाकी रहे वेदांत की बात तो वो हम संभाल लेंगे। अरे समझे कि नहीं मजनू? मतलब ज्योति का किडनैप करना है, अब कैसे करना है वो तुम जानो हरि बाबू। ठीक है, आपकी दवाई। सुप्रिया। हाँ माँ। आ, थोड़ी देर मेरे पास बैठ, मुझे ना बहुत खुशी हो रही है बेटा कि तेरे और वेदांत के बीच जो कड़वाहट थी वो अब दूर हो गई है। मेरे परिवार के पेड़ की एक डाल जो टूटी हुई थी वो फिर से जुड़ गई। हाँ माँ, सब कुछ ज्योति की वजह से हुआ है। वेदांत को गले लगाने के लिए बरसों तरसी हूं मैं। जब ज्योति कहती थी ना माँ कि एक दिन वेदांत आपको माँ के घर पुकारेगा, आपको गले लगाएगा, तो मुझे विश्वास नहीं होता था। पर देखिए ना, उसने जो सौगात दी है ना मुझे, उसका कर्ज नहीं उतार सकती मैं। ज्योति है ही ऐसी, उलझे हुए रिश्तों के धागे को सुलझाना जानती है वो। मैं बस चाहती हूँ कि दोनों साथ में रहें, खुश रहें, और वेदांत की जिंदगी पर जो संकट है वो बस टल जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। संकट? अब कौन सा संकट? संकट तो इस घर पर था ना बेटा, मल्लिका के रूप में, और वो तो इस घर से बाहर चला गया है। किस संकट की बात कर रही है तू? मैं उसी की बात कर रही हूँ माँ, मलिका की बात। अपनी माँ से झूठ बोलेगी तू? सच सच बता, किस संकट के बारे में बात कर रही है? महाचार्य जी ने कहा है कि हमारा वेदांत अल्पायु है, उसके पास सिर्फ 3 महीने है ना। सिर्फ 3 महीने? मेरे वेदांत के पास सिर्फ 3 महीने? हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है भगवान मेरे वेदांत के पास? माँ संभाली अपने आप को माँ,
माँ माँ मेरी बात सुनिए माँ 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 इसका उपाय है, इसका उपाय है माँ। क्या? हमारी ज्योति, हमारी ज्योति है इसका रक्षा कवच, वो इस संकट को टालने की। आचार्य जी ने उसे सात कांटों वाला एक कलावा दिया है, जिसकी दो कांटे मेहंदी की रस्म के बाद खुली और दो कांटे हल्दी की रस्म के बाद, और बची हुई तीन कांटे विधि पूर्वक शादी के बाद खुलेंगी। माँ हमारी ज्योति सब कुछ कर रही है, हमें बस उसका साथ देना है। माँ हमारे वेदांत को कुछ नहीं होगा। माँ माँ नहीं माँ माता रानी, मेरे वेदांत की रक्षा करना माँ, हमेशा ज्योति के साथ रहना माता रानी, उसे इस कार्य को संपूर्ण करने में मदद करना माता रानी। सुप्रिया सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ, आप चिंता मत करिए, हमारी माता रानी है ना हमारे साथ, हमारे वेदांत को कुछ नहीं होगा माँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। कल वेदांत की शादी है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यही तो दिक्कत है तुम्हारा कि पूरा बात सुने बिना भरा जाती हो। अब हमारा प्लान सुनो, कल ज्योति और वेदांत की शादी है, ज्योति का बंदोबस्त हमने कर दिया है, वो शादी से पहले किडनैप हो जाएगी और शादी के मंडप में बैठोगी तुम। एक बार शादी हो गई, फेरे हो गए, तो तुम्हें वेदांत से कोई अलग नहीं कर पाएगा। वाओ मामी क्या आइडिया है, मगर ये ज्योति का किडनैप और फिर मेरा मंडप पे वहां आकर बैठना, ये सब होगा कैसे?